कोहली साहब, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके द्वारा सभी अपने पॉलिसी धारकों को नमस्कार करना चाहूँगा और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कोहली साहब, सरकार काफ़ी सीरियसनेस दिखा रही है बीमा क्षेत्र को ओपन अप करने में। ऐसे घड़ी में आने वाली चुनौतियों का सामना LIC कैसे करेगी? जहाँ तक सफलता की चुनौतियाँ हैं और हमारे सामने जो हम उनको जिनका आभास कर रहे हैं, वो मैं उनको चुनौतियों के रूप में नहीं देख रहा, मैं अपने आप को और सुदृढ़ करने के रूप में देख रहा हूँ। जो कदम हमने कुछ एक अरसे से उठाए हैं वो सुदृढ़ता की ओर से ही उठाए हैं। जहाँ तक हमारे पॉलिसी धारकों की सेवाओं का प्रश्न है, जहाँ तक हमारी बाज़ार में अपने आप को सुदृढ़ करने का प्रश्न है, नई बीमाओं की सेवा, बीमाओं की स्कीमें और इन सब जो नई गतिविधि हम किए जा रहे हैं और करने जा रहे हैं, इनसे जो संस्था का रूप होगा वो एक नया रूप होगा और उसमें मुझे अंश मात्र भी ये शंका नहीं है कि स्पर्धा को हम उस चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उस चैलेंजेस को हम फेस नहीं कर पाएंगे। हम काफ़ी स्ट्रांग हैं जहाँ तक चैलेंजेस का प्रश्न है। हमारे मानव संस्थान में, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में और हमारे पॉलिसी धारकों की सेवाओं में, हमारे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सभी उसी दिशा की ओर ही है जो संस्था को और सुदृढ़ बनाएगी और जिसमें हम अपने आप को ये दर्शा पाएंगे कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन विच कैन मैच एनी काइंड ऑफ ए चैलेंज इन द कंट्री। एक वेलफेयर स्टेट में अपनी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में LIC कितनी सफलता मानता है अपने आप? जहाँ तक प्रश्न है हमारा योगदान देश की विकास में, देश के विस्तार में भी, एक महत्वपूर्ण आंकड़े जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमारा योगदान रहा, आंकड़ों को अगर देखा जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी इस वक्त है वो 1 लाख के करीब, 1 लाख करोड़ के ऊपर है और उस आंकड़ों में सिर्फ गत वर्ष की मैं अगर बताऊं तो 12,242 करोड़ जो है वो हमारा हाउसिंग सेक्टर में हुआ, 9,500 करोड़ के करीब इलेक्ट्रिसिटी में, 2,300 के करीब वाटर सप्लाई में और सीवरेज में और 600 के करीब हमारा ये रोड ट्रांसपोर्ट में धन लगा। ये सभी जो हमारी योगदान है ये देश के विकास के लिए और इसके ऊपर जो सारी स्कीमें हमारी हैं कि बीमा सुरक्षा प्रदान करना एक न्यूनतम समाज के वर्ग को थ्रू हमारी जो स्कीम है RGLIS और IRDP और छोटे वर्ग की और कई स्कीमें जो ग्रुप इंश्योरेंस की हैं, उन सबको अगर देखा जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम का योगदान सामाजिक विकास में और राष्ट्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। बीमा क्षेत्र ओपन अप होने से बड़ी कंपनियां आएगी और इसे प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्या राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का हित, ये सब बातें पीछे रह जाएंगी? क्या LIC को भी सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में ही सोचना पड़ेगा? व्यवसायिक संस्था होते हुए लाभ की तरफ तो देखना चाहिए और चलना भी चाहिए, किंतु लाभ का प्रयोग कैसे होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लाभ हमारा हमारी गतिविधियों से, हमारे व्यवसायिक वृद्धि से होगा वो समाज और देश में ही लगेगा और समाज और देश के कल्याण में ही लगेगा। इस साल का बजट, यशवंत सिन्हा का बजट बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो समाज के सभी क्षेत्रों में पहुंचे, क्या LIC भी इस काम में अपने आप को कोई मदद करते हुए या कोई रोल निभाते हुए देखता है? हाँ, निश्चय ही हम लोग जो
बजट के धाराओं के अनुसार जो प्रपोजल्स गई हैं संसद में, उनके अनुसार हमारे जो हाउसिंग सेक्टर में जो सुविधा मिली है टैक्स के मामले में, उसको देखते हुए हाउसिंग एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी और हाउसिंग एक्टिविटी के बढ़ने से हमारी पॉलिसियाँ बढ़ेंगी, लोग जो पॉलिसीज लेंगे वो मॉर्गेज के ग्रुप में रखेंगे उसको हाउसिंग लोन के अंदर, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में ग्रामीण क्षेत्र में इसका विकास होगा जहाँ तक बजट का प्रश्न है, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में हम लोग उसके भागीदारी होंगे और वो मार्केट हमारी और बढ़ेगी ताकि हमारा पॉलिसीज बढ़ेंगी। ओवरऑल जहाँ तक आर्थिक प्रगति का सवाल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में काफ़ी होगी इस बजट के अनुसार, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ तक प्रश्न है म्यूचुअल फंड्स का और US 64 का जो इसमें यूनिट्स में जो बजट के अनुसार टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं उसके अनुसार हमारा भी हम लोग स्पर्धात्मक नीति से काम कार्य करेंगे और मार्केट में अपने आप को अग्रसर करेंगे। LIC अपने को किन एरियाज में सुधार करना कर सकती है या करना चाहती है आने वाले कल में? यहाँ मैं सुधार की बात तो नहीं करूँगा किंतु प्रगति की बात करूँगा। जहाँ तक प्रगति का प्रश्न है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम कर रहे हैं और इसकी और ज़्यादा ध्यान देंगे सो दैट हमारे जो पॉलिसी धारकों की सेवाएं हैं उनमें और सुधार हो और पॉलिसी धारकों के साथ हमारा जो रिश्ता हो वो एक बहुत बड़ा तगड़ा सुदृढ़ रिश्ता हो।